जोहार, सलाम अलैकुम हाजी साहब, बड़ा भोले बाबा चले हो। हम जो बात कह रहे थे आपको शायद सुन भी रहे थे। तो हमने अभी बात किया है, हमने उनसे आग्रह किया है कि हम अपने राज्य में अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को भी लाना चाहते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे छात्र छात्राएं फंसे हैं उनको भी हम लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए पर्याप्त साधन नहीं है। अगर हम ऐसे चीजें करते हैं, हमें ऐसे लोगों को लाना है, तो हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ही सहयोग लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमारी राय ली है और उन्होंने कहा कि मैं ऊपर विषय पर आपकी बातों को पहुंचाऊंगा और मैं दो तीन दिन, मुझे लगता है कि 3 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए और हम 3 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद निश्चित रूप से सरकार कोई ना कोई कदम प्रवासी मजदूर को लाने के लिए, राज्य के छात्र छात्राओं को लाने के लिए निश्चित रूप से काम करेगी। गढ़वा में फंसा हुआ है, देवघर का कहीं दुमका में फंसा हुआ है या फिर चाईबासा में फंसा हुआ है, अगर इस तरीके की कोई आपके पास ये है तो अभी तक तत्काल आप उस राशि को वहाँ उपयोग करें। सर, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई रणधीर जी बैठे हैं, हम लोग 1000 से ऊपर प्रवासी मजदूर को भेज चुके हैं सर, हम लोग तो भेज भी हैं सर आपके गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, लेकिन लाने से बेहतर अगर उसको वहीं चलाया जाए तो वो तो घटनाएं तो आ रही है सामने, ठीक है आप कह रहे हैं। तो ये सामाजिक तनाव काफी है, तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी है, बहुत लंबी बात मैंने की है कि हमारे पास संसाधन भी कम है, कर को हो सकता है कि अगर कर हमारा निर्णय ऐसा हो कि राज्य सरकार की लाना चाहेगी तो मुझे ट्रेन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए भारत सरकार को एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करना चाहिए ताकि नियम तोड़ने वाली बात, कानून तोड़ने वाली बातें ना हो, जैसे अब कुछ राज्य कर रहे हैं जिस तरह के काम। ये आने वाला समय में ये केंद्र सरकार के नियमों का अवहेलना है और ये कानून जुर्म भी है। क्योंकि अगला पक्ष मेरा ठीक हो, इस बार पहले से हमें जो फसल के जो बीज है, जैसे धान हो, अन्न हो, उसकी आप पूरी तैयारी कर दीजिए, धान का, खाद का, क्योंकि अभी समय है, इसको अगर तैयारी कर दीजिएगा तो फिर हम किसानों को सही सहयोग दे पाएंगे, तो उसमें अपना तभी हमारा बीज कब आएगा, तो जब सब चीजों को आगे बढ़ाए और सब बेहतर चल रहा है, हम सब लगे हुए हैं और आपका नेतृत्व बेहतर है। ये बात सही है क्योंकि भारत सरकार के गाइडलाइन में सभी को मूवमेंट करना बंद है। हमने गृह मंत्री जी से ये आदेश प्राप्त करने के लिए पत्र भी लिखा है कि हमको जनप्रतिनिधियों को घूमने दिया जाए ताकि हम जो अभी मौजूदा हालत है उस पर एक मॉनिटरिंग का हैंड बन सके। अभी जैसे ही टूरिज्म आता है, मैं उस पर हम लोग खुद की भी चिंता है कि आप लोग घूमें, क्योंकि ये आप लोगों का बहुत जमीनी स्तर पर देख रेख चलती है, उस पर हम लगे हैं और आपका खाता वाला हम बात करते हैं आज जरूर, इसका कुछ समाधान निकालेंगे। जो समस्या है उसको अभी हम तत्काल उस समस्या का समाधान कर दिए हैं, अभी कैबिनेट के प्रत्याशा में हमने उसको ऑर्डर पास कर दिया है, वो समाधान हो जाएगा निकासी वाला, निकासी वाला। और दूसरा है कि अभी पूरे क्षेत्र में हम लोगों का प्रधानमंत्री आवास काफी लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, लोगों ने एग्रीमेंट भी कर चुका है और अभी अनुमानों का लोगों को नहीं मिल रहा है और अभी की सीजन में अगर हम लोग केंद्र सरकार का दूसरा लॉकडाउन का जो गाइडलाइन आया है, जो कुछ चीज़ों को खोलने के लिए, उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं, व्यवहारिक रूप से हम लोग उसको नहीं चालू कर पाए हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास और भी कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के साथ के सामने बात रखी है, क्योंकि आप गांव में आपको प्रधानमंत्री आवास बनाना है, हमें गिट्टी की जरूरत पड़ेगी, हमें छड़ की जरूरत पड़ेगी, हमें सीमेंट की जरूरत पड़ेगी और छड़ और सीमेंट की दुकानें बंद है तो फिर ये काम होगा कैसे। तो ये सब चीज़ें हैं, केंद्र सरकार को हम लोगों ने अवगत कराया है, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रिजॉल्व होगी। थोड़ा सा ये हालात थोड़ा असामान्य है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है और हम एक चीज आपके विधायक जी, हम आपसे एक चीज बात कहना चाहते हैं या सभी लोग जितने भी सुन रहे हैं हमारे इसमें कॉन्फ्रेंसिंग में लोग हैं।